तस्वीरों में पत्थरबाजी करती हुई लोगों की भीड़ पुलिस को दौड़ा रही है और पुलिस वाले भी मौके की नजाकत को समझते हुए भाग रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पुलिस के जवानों को दुम दबाकर भागना पड़ा। शराबबंदी के बीच बेगूसराय में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया परिजनों ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। पुलिस बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ले में अवैध शराब निर्माण पर छापेमारी करने पहुंची थी। पुलिस जैसे ही तीन आरोपियों को अपने साथ लेकर जाने लगी, तभी उनके परिजनों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। गुस्साई भीड़ ने हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने की भी कोशिश की, हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह तीन लोगों को गिरफ्तार किया और 10 लीटर महुआ शराब को भी जब्त किया। पहले फोर्स घेर ले था, ये गाड़ी फोर्स था, बाद में हम लोग गए, खबर मिला था, उसके बाद वो अपना मैंने दोनों को लाद रहे थे, वो लोग लादने नहीं करता, घेर लिया रोड़ा पत्थर से, बराबर लटक गया, चले उसके लिए डरे हम छोड़िया कुआ कुआ के हटाए तो दाँत उत काट लिया, तब कैसे कैसे लेकर हम लोग भागे दौड़ के दारू पकड़े महुआ लोग दूर। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच अधिकारी ने वो वजह भी बताई जिसके कारण पुलिस के जवानों को मौके से भागना पड़ा। यहां सवाल उठता है कि पुलिसकर्मियों की हत्या, पुलिसकर्मियों को पीटने, पुलिसकर्मियों को दौड़ाने की तस्वीरें बिहार से ही क्यों आती है? इन सवालों के जवाब पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के पास नहीं है। ये थी बिहार तक के लिए बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट।